तो इंस्टाग्राम पर फोटो हो या फिर रील, दोनों को वायरल करने के लिए तुम्हारा कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन लेकिन अगर तुम अपने अकाउंट पर सही तरीके से हैशटैग्स को यूज करोगे तो तुम जहाँ पर तुम्हारी रील्स के व्यूज जो है 100-200 आ रहे थे, वहां पर वो 5 से 10 हजार तक बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है तुम अपने अकाउंट पर 2 से 3 गुना तक व्यूज, लाइक, कॉमेंट, शेयर सब कुछ ला सकते हो सिर्फ हैशटैग्स को सही तरीके से यूज करने से। लेकिन आई नो अभी भी काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है इंस्टाग्राम पर हैशटैग तुमको किस तरीके से यूज करना है, सही तरीका क्या है, वो सारा कुछ तुमको बताने वाला हूं। क्योंकि हैशटैग से तुम्हारा कंटेंट कैटेगराइज होता है कि तुम्हारा कंटेंट किसको दिखाना है और कहां पर दिखाना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं हैशटैग्स को लेके, कि ट्रेंडिंग हैशटैग हम कहां से फाइंड कर सकते हैं, कम हैशटैग लगाने चाहिए या फिर ज्यादा जिससे हमारी वीडियो वायरल हो जाए, और सही तरीका क्या है हैशटैग्स को यूज करने का। अगर तुम ये सारी चीजें जान लेते हो तो तुम अपने कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, यानी कि तुम वायरल करो। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस टाइम जो तुम अपने कंटेंट पे, अपनी पोस्ट पे या फिर रील पे जो भी हैशटैग्स यूज कर रहे हो, क्या वो हैशटैग सही है या गलत है, वो तुमको पता चल जाएगा वीडियो के लास्ट में। क्या वो हैशटैग बैन तो नहीं है? अगर तुम बैन हैशटैग यूज करोगे तो तुम्हारा कंटेंट कभी भी वायरल नहीं होगा। तो तुम्हारे हैशटैग तुमको कैसे देखना है कि तुम्हारा हैशटैग बैन है या फिर सही है, वो बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो। अभी काफी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं जो है भर के हैशटैग लगा दूंगा कुछ इस तरीके से तो मेरी वीडियो जो है ज्यादा वायरल हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसा है? उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ ज्यादा हैशटैग लगाने से तुम्हारी वीडियो या फोटो वायरल हो जाती तो सभी लोग जो है अपनी वीडियो पे, फोटो पे जो है भर भर के हैशटैग लगाते। बात तो सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और ये बात मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, जिसका लाइव एग्जांपल मैं तुम्हारे को अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था सिर्फ कुछ दिनों पहले, तो इस वीडियो पे जो है 1.7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इस टाइम। और तुम यहाँ पे देख सकते हो 1.7 मिलियन व्यूज है, यानी कि 17 लाख व्यूज इस पे आ चुके हैं। और तुम लाइक भी दे सकते हो, शेयर भी दे सकते हो। और इसके अगर मैं तुम्हारे को हैशटैग दिखाऊंगा कि मैंने किसने हैशटैग इस पे यूज किया है, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जैसा तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 हैशटैग यूज किया और इस वीडियो पे जो है बाकी वीडियो से काफी ज्यादा व्यूज है 1.7 मिलियन, और ये अभी वायरल होता जा रहा है और इससे मेरे को फॉलोवर्स आते जा रहे हैं। अब तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अंकित भाई, हम भी जो है अपनी फोटो या वीडियो पे जो है 2 से 3 हैशटैग यूज करें तो क्या हमारी भी वीडियो वायरल हो जाएगी? लेकिन ऐसा भी नहीं। तो तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए मैं तुमको एक और अकाउंट दिखाता हूं, जो कि मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, जिसको मेरे जैसा कंटेंट है, सेम कंटेंट है, सेम कैटेगरी है, सेम क्वालिटी, सारा कुछ सेम है। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है Jack 2.0, और इसकी वीडियो पे तुम देखोगे कि यहाँ पर जो है वीडियो काफी अच्छे व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 4 मिलियन, मतलब बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं। और तुम यहाँ पे जिनके हैशटैग देखोगे तो ये बहुत ज्यादा हैशटैग्स का यूज करता है। तो एक जगह पे जो है मैं बहुत कम हैशटैग यूज करता हूँ और एक जगह पे ये बहुत ज्यादा हैशटैग यूज करता हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम ज्यादा हैशटैग लगाओ या फिर कम लगाओ, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे तुम लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो तुम्हारा कंफ्यूजन मैं अभी दूर करता हूँ कि तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को कम हैशटैग यूज करना है या फिर ज्यादा। तो सबसे पहले तुम लोगों को अपना अकाउंट, क्योंकि सभी के अकाउंट जो है अलग अलग कैटेगरी के होंगे जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो तुम लोगों को क्या करना है, अपने अकाउंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। स्टार्टिंग के तुमको 1 से 2 दिन तुमको जो है 2 से 3 हैशटैग यूज करने, जैसे मैं करता हूँ। उसके बाद तुम लोगों को 1 से 2 दिन तुम्हारे को जो है 5 से 10 हैशटैग यूज करने, उसके 2 दिन बाद तुमको जो है 10 से 15 हैशटैग, फिर 20 से 30 हैशटैग। हो सकता है कि तुम्हारी वीडियो कम हैशटैग पे भी रन करने लग जाए और हो सकता है तुम्हारी वीडियो ज्यादा हैशटैग पर भी वायरल होने लग जाए। 7 दिन तुमको जो है एक्सपेरिमेंट करना है अपने अकाउंट पर। उसके बाद में जैसे 7 डेज निकल जाते हो, तुम लोगों को पूरा एनालाइज करना है कि मेरी कौन सी वीडियो पर जो है ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। अगर किसी वीडियो पे तुम देखोगे कि कोई ना कोई वीडियो ऐसी होगी 7 दिन में जो भी तुम वीडियो डालोगे उन पर किसी वीडियो पर ज्यादा व्यूज होंगे, तो तुम मिक्स एंड मैच करके तुम जो है डाल सकते हो। कभी तुम कम हैशटैग यूज करो, कभी तुम ज्यादा हैशटैग यूज करो, ठीक है? तो इस तरीके से तुम लोगों को अपने कॉन्टेंट का, अपने कैटेगरी, अपने कंटेंट के हिसाब से तुम लोगों को हैशटैग मिल जाएगा कि कौन सा हैशटैग तुम्हारे अकाउंट के लिए परफेक्ट है और जो वायरल हो रहा है, और फिर उसी हैशटैग्स को तुम अपनी सारी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो इजी। अब हैशटैग तो मिल गए, लेकिन अब सही तरीका क्या है हैशटैग्स को लगाने का? क्योंकि तुम सही तरीके से नहीं लगाओगे तो तुम्हारा वीडियो वायरल नहीं होगा। सही तरीका क्या है वो देख लो। तो जब भी तुम अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो मेरा जो कंटेंट है वो फोटोशूट का, BTS का, इस सब का है, पोजेस वगैरह, तो यहाँ पे मैंने वीडियो ले लिया अपना। और उसके बाद में तुम लोगों को ऊपर अपना कैप्शन दे देना है। तो मेरी कैटेगरी में जो मैं कैप्शन डालता हूँ, फोटोशूट आइडियाज, अगर मेरा सनसेट है तो सनसेट वाला, सनसेट पोज, सनसेट फोटोशूट, बीच फोटोशूट, इस तरीके से डाल सकता हूँ, या फिर वेट फॉर रिजल्ट, वेट फॉर पिक्चर, इस तरीके से अपना कैप्शन डाल देना। उसके बाद में तुमको 2-3 डॉट्स नीचे ले आना है। उसके बाद में तुम लोगों को यहाँ पे अपना जो है रील्स का लगाना है, रील्स या तो हैशटैग रील्स, इंस्टाग्राम रील, रील्स इंस्टाग्राम, इस तरीके से तुम लोगों को 1 या 2 हैशटैग तुमको लगा लेना। मैं यहाँ पे 1 या 2 यूज करता हूँ। उसके बाद में तुम्हारी जो वीडियो, जो तुम्हारा कंटेंट है उसके अंदर क्या है, जैसे मेरा गोवा का था तो मैंने गोवा बीच डाल दिया था। तुम यहाँ पे सनसेट डाल सकते हो, सनसेट फोटोशूट इस तरीके डाल सकते हो। अगर तुम खड़े होकर डाल रहे हो
तो स्टैंडिंग पोज डाल सकते हो, इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में तुम लोगों को जो है एक जो है अपने फोटोशूट का डाल सकते हो, फोटोशूट, फोटोग्राफी, पोजेस। यहाँ पे मैं मेरी कैटेगरी का बता रहा हूँ, तुम अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डाल देना इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके। उसके बाद में लास्ट में तुम जो अपना यूजर नेम डाल सकते हो या फिर अपना तुम्हारा कोई हैशटैग है तो तुम वो यूज करके उसका एक हैशटैग डाल सकते हो वहाँ पर। जैसे मेरा हैशटैग है अकेला काफी, तो वहाँ पर मैं अकेला काफी भी यूज करता हूँ, कभी कभी मैं मेरा यूजर नेम भी यूज करता हूँ, और बहुत सारे लोग जो अपना यूजर नेम यूज करते हैं, जैसे मेरा अंकित बेनीवाल 101 है तो मैं उसको भी कभी कभी यूज कर लेता। तो इस तरीके से तुम लोगों को अपना हैशटैग्स का सेट बना के लगा देना है पूरा। उसके बाद में सिंपली तुमको अपनी वीडियो पोस्ट कर देना, लेकिन पोस्ट करने से पहले ऊपर तुमको एडिट कवर दिख रहा होगा, कवर पे जाकर अपनी टाइमलाइन में से या तो फोटो ले लेना, या फिर तुम कैमरा रोल पे जाके भी अपनी कोई फोटो लगा सकते हो जो तुम्हारी रील वाले टैब के अंदर, जैसे तुम देख सकते हो कि बाहर तुमको दिखता है तो वो एक तरीके से थंबनेल होता है, तो वो तुम्हारा बाहर दिखेगा, तो उसको आई कैचे लगाना ताकि लोग उस पर देखते ही क्लिक करते। अब इसके साथ में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि वायरल हैशटैग क्या होता है, तो वायरल हैशटैग जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं बहुत कम हैशटैग यूज कर रहा हूँ तो उस पर भी वीडियो वायरल हो रही है, और वो बंदा तो बहुत सारे हैशटैग यूज कर रहा है तो उसके भी वीडियो वायरल हो रही है। तो ट्रेंडिंग हैशटैग जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपने जैसा मैंने तुमको बताया उस तरीके से तुम जो है थोड़ा बहुत रील्स का, इंस्टाग्राम का, और अपनी कैटेगरी के वाइज और अपने अकाउंट के रिलेटेड तुम जो है मिक्स करके डालो, तो इस तरीके से तुम जो है सही हैशटैग्स लगा सकते हो और वही वायरल हैशटैग। तो अब बात करते हैं कि जो तुम हैशटैग इस टाइम अपने अकाउंट पर यूज कर रहे हो क्या वो बैन तो नहीं है, तो वो कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे साइड में तुमको डिस्प्ले आ रहा होगा, तो कोई भी ब्राउजर तुमको ओपन कर लेना और वहाँ पे तुमको लिखना है बैंड हैशटैग चेकर। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करते हो तो तुम लोगों को इस वाली वेबसाइट पे टैप करना है जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर भी तुम चेक कर लेना, सेम ऐसा इंटरफेस आना चाहिए। इस तरह का इंटरफेस आएगा और ऊपर ही तुमको जो है खाली कॉलम दिख जाएगा, अपने हैशटैग्स को कॉपी कर लेना और यहाँ पे तुम लोगों को सारे हैशटैग जो है पेस्ट कर देना है गैप दे देके, ठीक है, अलग ऐसा जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, गैप दे देके उनको तुमको यहाँ पे पेस्ट कर देना और नीचे तुमको यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना। जैसे तुम चेक पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, पूरे हैशटैग को अच्छे से चेक करेगा। उसके बाद में तुम लोगों को यहाँ पे दो फॉर्मेट में आ जाएंगे, तुम्हारे हैशटैग जो वर्क कर रहे होंगे वो, और जो तुम्हारे बैंड हैशटैग होंगे वो। हो सकता है कि मेरे भी यहाँ पर हैशटैग जो है कुछ कुछ बैंड हो रखे हैं, तो जो इनको भी मैं यूज करना बंद कर दूं। तो यहाँ पर इन हैशटैग जो भी तुम्हारे बैन हैशटैग है उनको तुमको हटा देना है, उन हैशटैग्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अब तुम ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हो तो तुम अपने अकाउंट पे बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फर्क देखोगे, तुम्हारी वीडियो वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी, तुम्हारी पोस्ट एक्सप्लोर पेज में जाना स्टार्ट हो जाएगी, सजेशन में जाना स्टार्ट हो जाएगी, और तुम्हारा कंटेंट बहुत तेजी से वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात तुम समझ लो कि सिर्फ हैशटैग्स लगाने से तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारी रील्स वायरल नहीं हो जाएगी, उसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बताया कि तुम अपनी रील्स को कैसे वायरल कर सकते हो, बहुत सारे है जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, और भी बहुत सारी चीजें सारा कुछ बताया इस वीडियो में। तो वीडियो पर टैप करो, मैं तुमको वहीं मिलूंगा।